हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोफीलिया की कंडीशन के बारे में। तो हीमो का मतलब होता है खून, ब्लड, और फीलिया का मतलब होता है अट्रैक्शन टू, या फिर उसका मतलब होता है टेंडेंसी टू, मतलब कि यहाँ पे अनकंट्रोल ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहती है, यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून निकलने के चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। सो क्या होता है हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर है, जीनेटिकल बीमारी है, इनहेरिटेड बीमारी है, मतलब कि जन्म से ही होने वाली एक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको होने के चांसेस है। तो ऐसी एक बीमारी है हीमोफीलिया, और ये खून की बीमारी है। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली देखो, जब हमें चोट लगती है कहीं पे तो वो खून जो है वो जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे खून जमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खून को जमाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं कुछ जो है वो। तो इस वजह से क्या रहेगा कि अगर आपको चोट लगती है तो लंबे समय तक जो खून है वो निकलता ही रहता है, और यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग की कंडीशन भी रहती है, आपके शरीर के अंदर भी ऐसे ब्लीडिंग बन जाता, ऐसे खून निकल सकता है, और उस वजह से ऐसे ब्रूस भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो लीवर से बनते हैं, जो हमारा यकृत होता है उससे बनते हैं, और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे उनके नाम अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे देखें तो फैक्टर्स में जो 8वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है उसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स। तो ये अगर एब्सेंट है तो इसकी वजह से जो हमें हीमोफीलिया की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं क्लासिक, तो वो होती है क्लासिक हीमोफीलिया, और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, इसको टाइप ए हीमोफीलिया भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है टाइप बी हीमोफीलिया, जहाँ पे क्या रहता है कि इसमें क्या रहता है कि जो 9वें नंबर का जो फैक्टर्स होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, जिसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर्स, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, वो नहीं होता, तो उस वजह से खून नहीं जमेगा। तो ऐसी कंडीशन जो हीमोफीलिया की बनती है उसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। ये जो कंडीशन है वो जन्म से ही देखने को मिलती है आपको, और कभी कभार क्या रहता है कि ये कंडीशन है वो बड़ों में भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोफीलिया और एक्वायर्ड हीमोफीलिया, जहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है, उनको हार्म करता है, तो उस वजह से खून नहीं जमेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोफीलिया या फिर एक्वायर्ड हीमोफीलिया। इसके कारण की बात करें तो हमने आगे बोला कि ये जो कंडीशन है वो एक जीनेटिकल डिसऑर्डर है, मतलब कि यहाँ पे जीन में प्रॉब्लम रहती है। ओके, हीमोफीलिया की कंडीशन है वो एक्स लिंकेड जीनेटिक डिसऑर्डर है। आपको बता दें कि ये जो कंडीशन है हीमोफीलिया की कंडीशन है वो मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू डॉटर, कंपेयर टू फीमेल्स। यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर फादर है उनको नहीं है हीमोफीलिया की कंडीशन, और माता है उनको है, तो क्या रहेगा कि यहाँ पे 50% चांसेस है कि आपका जो बेटा होने वाला है उसको हो सकता है, और यहाँ पे आपकी जो बेटी होने वाली है उसको यहाँ पे कैरियर, उस वो यहाँ पे कैरियर के तौर पे आगे उसको तो ट्रांसफर कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण में क्या रहेगा कि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो रहते हैं, मतलब कि खून को जमाने वाले फैक्टर्स है, प्रोटीन है, वो एब्सेंट रहेंगे तो क्या रहेगा कि खून निकलता ही रहेगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग की कंडीशन रहती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ऐसे ब्रूजिंग मतलब कि ऐसे खरोचे लग जाती है, जो कि यहाँ पे मांसपेशियों के नीचे देखने को मिल सकती है, जोड़ों में देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा यहाँ पे डेल्टॉइड जो मसल्स होता है वहाँ पे देखने को मिलती है, फोर आर्म है वहाँ पे ऐसे ब्रूजिंग देखने को मिल सकती है, ऐसे खरोचे लग जाती है, थाई का रीज़न है, काफ है, तो वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखें तो हीमोफीलिया की कंडीशन में यहाँ पे इपिस्टैक्सिस की कंडीशन रहती है, मतलब कि नाक से खून आना। उसके अलावा यहाँ पे रेड कोला कलर का ऐसे पेशाब देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे मेलेना की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि जो मल है वो ऐसे टार कलर का, ऐसे डार्क रेड कलर का देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो अगर यहाँ पे ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो यहाँ पे स्पॉन्टानियस अपने आप ही अचानक ही ऐसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो ये कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा जॉइंट के नीचे हमने आगे बोला कि ऐसे जॉइंट के नीचे ऐसे खून का दिखना, तो ये कंडीशन रह सकता है। उसके अलावा जो वॉमिटिंग करता है जो पेशेंट है वो, उसमें देखे तो ऐसे कॉफ़ी ग्राउंड कलर का वॉमिटस निकलता है। आगे यहाँ पे बात करें तो हीमोफीलिया की कंडीशन में यहाँ पे दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होगा तो क्या रहेगा कि ऐसे सेजर बरामदगी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पैरालिसिस की कंडीशन भी रह सकती है। अगर आप में हीमोफीलिया की कंडीशन है और वैक्सीनेशन करवाते हो तो यहाँ पे अनयूजुअल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है, खून निकल सकता है। उसके अलावा हमने आगे बोला कि यहाँ पे स्पॉन्टानियस ब्लीडिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, या फिर सर्जरी के बाद भी यहाँ पे ऐसे
स्पॉन्टानियस ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करें। तो यहाँ पे हमने जितने भी लक्षण बोले वो देखने को मिलते हैं, तो हीमोफिलिया की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा देखें तो ये कंडीशन क्या रहता है कि ऐसे जन्म से ही होती है, तो जन्म से ही होने के वजह से क्या रहेगा कि कुछ लक्षण है वो यहाँ पे बर्थ के आफ्टर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चे के बर्थ के बाद यहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करने के लिए ऐसे हिल प्रिक करते हैं, तो यहाँ पे खून यहाँ पे बंद ना होना, तो ये रह सकता है। उसके अलावा देखें तो अगर वैक्यूम से या फिर फॉर्सेप से जो बच्चे की डिलीवरी होती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि ऐसे निशान बन जाता है, तो वहाँ पे खून जो है वो बंद ना होना, तो ये कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे बच्चे में ऐसे खरोचे लग जाती है, तो ये भी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो कुछ टेस्ट है वो भी करते हैं, जैसे कि CBC ब्लड टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, देन रक्त कणिका है, तो ये कम होती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे APTT टेस्ट होता है, तो वो भी करते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट, तो ये भी करते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आपका जो खून है वो कितने समय में जमता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग टेस्ट होता है, PT टेस्ट होता है, तो वो भी करते हैं। और यहाँ पे फाइब्रिनोजन टेस्ट होता है, तो वो भी करते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट है, तो वो भी करते हैं। तो ये सभी टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा फैक्टर से वो एब्सेंट है, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है आपका जो खून है उसको जमने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।